हर हर महादेव ध्वनि रे कंपिला केदारनाथ, खोलिला पीठ भाव विहळ हेले भक्त, बरसिला फूल भजन कीर्तन रे भक्तिमय परिवेश, श्रद्धालुंक पाई खोलिला बाबा केदारनाथ मंदिर, ब्रह्म मुहूर्त रे गर्भगृह रे केदारनाथ को स्वतंत्र पूजार्चना करा जाई सर्वसाधारण दर्शन पाई कबाट खोलिछि। मंगलवार सकाळ 5:00 रु बाबा केदारनाथ को पीठ खोलिबा पाई प्रस्तुति आरंभ होइथिला। परे 6:20 मिनिट रे मंत्र पाठ तथा श्लोक उच्चारण मध्य रे श्रद्धालु को दर्शन पाई कबाट खोला जाइथिला। एहा पूर्वरु केदारनाथ मंदिर को 35 क्विंटल फुलरे सुंदर भावे सजा दैथिबा बेले जयकार ध्वनि रे प्रकंपित होइछि परिवेश। तेबे हजार हजार श्रद्धालु बाबा को दर्शन करिछंती, जहाँ नहीं भक्तों मध्य उत्साह देखा मिली। दर्शन पाई गंगोत्री धाम कबाट खोलिबापर चारिधाम यात्रा आरंभ हो। तेबे एभली पवित्र मुहूर्त में उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उपस्थित रही प्रभु को दर्शन करथिले। बाबा केदार का ये प्रांगण 2013 की आपदा के बाद पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और उनके निर्देशन में केदारपुरी का भव्य और दिव्य निर्माण हुआ है। आने वाले समय में, जल्दी ही आने वाले वर्षों में केदारपुरी तक की यात्रा रोपवे से हो पाएगी। बहुत इंतजार है बेसब्री से, 3 महीने से इस चीज की तैयारी कर रहे थे हम। 20 लड़कों के साथ आया हूँ और सारे छोटे हैं और उनकी जिम्मेदारी मेरे सिर पे है। तब से मैं मतलब हर दिन यही सोचता था केदारनाथ के पट कब खुलेंगे कब खुलेंगे। आज वो मौका वो घड़ी मुझे मिली है। यही समय रे उत्तराखंड रे प्रबल तुषारपात होउची, एही कारण रु अनेक समस्या भी देखा देउची। तेणु एबे भक्तों निमन्ते केदारनाथ दर्शन रजिस्ट्रेशन को बंद कर दिया जाइची। आगामी किछि सप्ताह पई केदारनाथ रो पानी पाग खराब रहिबो, रास्ता रे 3-4 फुट पर्यंत बरफ जमी रहिबो बोली पानीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। एहा सत्वे भी अनेक संख्या रे श्रद्धालु केदारनाथ पीठ रे पहुंचिथिले। एति सहित श्रद्धालुंक पाई मेडिकल रिलीफ पोस्ट तयारी करा जाइछि। केवल एतिकि नुहे, यात्रा समय रे श्रद्धालुंकु जेमिति कोनोसी असुविधार सम्मुखीन हेबाकु न पड़े सेति पाई केदारनाथ यात्रा पथरे 130 जन डाक्तरंकु नियोजित करा जाइछि। एति सहित अम्लजान सिलिंडर सहित औषध भी श्रद्धालुंक निमन्ते बंदोबस्त करा जाइछि। इस फीलिंग की तो अब कोई जवाब दे ही नहीं सकता। सब लोग कोशिश करते हैं कि कपाट खोलने में आए, पर वही है ना, किस्मत जिसका बुलावा होगा वही आ सकता है। तो लोगों ने बहुत चढ़ाई करी, बर्फ भी पड़ रही थी और रास्ते भी बंद हो रखे थे, तो लोगों को रोक भी रहे थे। अभी भी बर्फबारी हो रही है। तेबे से जेते कष्ट हेउ ना काहेकि भक्त और भगवान को एही महामिलन को किए बा रोकी पारिबो। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज।